हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू फ्री बर्ड एंड पेट एनिमल्स चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मेरे रैबी लीच के हाथ से कैसे बच गई। आज मॉर्निंग में मैं जब ये घास लेके आई गार्डन से, तो मेरा रैबी बिल्कुल नहीं खा रही थी। हर रोज़ जब मैं मॉर्निंग वॉक करके आती हूँ तो मेरे पीछे पीछे घूमती रहती थी कब उसको घास दूंगी, बट आज वो बिल्कुल नहीं खा रही। बाद में जब मैं सोच रही क्यों नहीं खा रही और घास की तरफ देखा तो मैं डर गई। ये देखिए, ये है लीच। ये खून चूसते हैं, सिर्फ इंसानों का नहीं एनिमल्स का भी खून चूसते हैं। थैंक गॉड कि मेरा रैबी ने घास नहीं खाई। ये लीच नाक में भी घुस सकता है और रैबिट के बॉडी इतने हेयरी रहता है कि अंदर किधर घुस के अगर वो खून चूसता था तो हमें पता ही नहीं चलता था। बारिश के सीज़न में जिधर हरा भरा घास रहता है, नमी रहता है, वहाँ पे ये लीच का ग्रोथ होता है और वो लोग चिपक के बैठते हैं। अगर कभी ऐसे चिपक गए शरीर में या एनिमल्स के बॉडी में तो उनको नमक डाल के मारते हैं। थोड़ी देर धूप में रखने के बाद वो लीच तो चला गया, पर मुझे वो ग्रास खिलाने में डर लग रहा था। और भी कोई छोटे छोटे इंसेक्ट रह सकते हैं, इसलिए मैंने पूरा धो लिया घास को और धूप में सुखा लिया। और उसके बाद देखिए हमारे रैबी कैसे खा रही है। तो रेनी सीज़न में हमें ये ध्यान रखना चाहिए, घास हो या सब्जी हो, इसमें कोई इंसेक्ट तो नहीं है। और जब हम घास उठाते हैं तो हमें ग्लव्स पहन के घास को खींचना चाहिए, क्योंकि वो हमारे हाथ में भी चिपक सकता है, या तो पॉलीथीन के थैली डाल के खींचना चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।